हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 110 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग का स्पेशल मैथ टेस्ट चल रहा है पटना में, BSC अकेडमी। जो लोग पटना से हैं इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं। देखो, हम लोग का सवाल क्या है आज का, ए मिल्कमैन मिक्सेस वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो 1:2। यानी कि वाटर और मिल्क का जो रेशियो है वो है 1:2। यानी कि टोटल क्वांटिटी वो जो दे रहा है, टोटल क्वांटिटी का जो सॉल्यूशन दे रहा है वो कितना है, 2:1:3। ठीक है, इफ द CP ऑफ वाटर, वाटर का जो CP है वो मिल्क इज 1/10 ऑफ द मिल्क। ठीक है, मिल्क का कितना है, 1/10 है। यानी मिल्क का CP अगर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया 10 रुपीज पर लीटर होगी, तो वाटर की CP क्या हो जाएगी, 1 रुपीज पर लीटर। ठीक है, एंड द मिल्क मैन क्लेम्स टू सेल द मिल्क एट 20% प्रॉफिट। ठीक है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% मिल्क मैन क्या क्लेम करता है कि 20% के प्रॉफिट पे बेचता है। अब देखो यहाँ पे सवाल में क्या है ट्विस्ट, कि मिल्क मैन जो बेच रहा है वो कितने लीटर क्वांटिटी बेच रही है, 3 क्वांटिटी बेच रही है। अब वो थोड़ी ना ये बता के बेच रहा है कि हम आपको भैया पानी मिला के बेच रहा है, यानी कि वो बेच कैसे रहा होगा, 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहा है। यानी कि वो 30 रुपये उसे लगे हैं और बोल रहा है कि हम इसका 20% आपसे फायदा उठा रहे हैं, यानी 30 का 12 20% प्रॉफिट, यानी कि 120/100। यानी कि वो कितना रुपया उस आदमी से ले रहा है, 36 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, अब जब 36 रुपये उसने लिए तो अब उसे पड़े कितने, यानी कि ये तो उसकी हो गई सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब उसे पड़े कितने, यानी कि कॉस्ट प्राइस उसकी क्या हो जाएगी। ये कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा हमारा, देखो 10 रुपये प्रति लीटर मिल्क था हमारा, मिल्क है 2 यूनिट, 1 रुपीज पर लीटर हमारा वाटर है, वाटर है 1 यूनिट। ठीक है, यानी कि टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा 10 × 2 प्लस में 1 × 1, डेट इज नन अदर देन 21 रुपीज। ठीक है, सो ये यहाँ पे रुपीज होगा। ठीक है, जब रुपीज हो गया हमारा, CP निकल गया 21 रुपीज, SP निकल गया 36, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि प्रॉफिट हमारी कितनी हो गई, 36 - 21, डेट इज 15 रुपीज। ठीक है, यूनिट में ही मैंने मान लिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि दे पूछ रहा है देन व्हाट इज हिज अप्रोक्सीमेट नेट प्रॉफिट परसेंट, उसका एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट परसेंट क्या था, हमें ये बताना है। तो परसेंटेज प्रॉफिट हमारी कितनी हो जाएगी, प्रॉफिट हुई है 15 की आउट ऑफ कितना, टोटल 21 × क्या हमारा, 100। ठीक है, इसी को फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे 3 से 5 बार में, 3 से हमारा 7 बार में, और यही सॉल्व करने के बाद हमें देगा 71.42%, और यही हमारा आंसर है 71.42%। ठीक है, होप आप लोगों को ये क्लियर होगा।